और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। जनपद उधम सिंह नगर प्रभारी मंत्री और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जनपद उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म प्रतापपुर और खटीमा चकरपुर सहित प्रभावित विभिन्न स्थानों पर पहुंच करके अतिवृष्टि के कारण हुए जलभराव और नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों से भेंट करके उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को जलभराव की स्थिति से निपटने और प्रभावितों के लिए जो है राहत सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। इसी के साथ ही आपदा प्रभावितों के रहने खाने और दवाओं की उचित व्यवस्था, आपदा के कारण पशुओं और फसलों को हुई क्षति का आकलन कर मुआवजा पीड़ितों को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। इसके बाद से मंत्री गणेश जोशी ने सांसद अजय भट्ट के साथ प्रभावित क्षेत्र खटीमा के विभिन्न क्षेत्रों में आपदा की स्थिति जानी है। वहीं मंत्री जोशी ने खटीमा के अमाऊ में सीएम धामी के साथ जो है प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया है। वहीं आपको बता दें कि मंत्री गणेश जोशी ने जनपद में आपदा के दौरान जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा शीघ्रता से हुए राहत बचाव कार्य के लिए प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों को तत्परता से रेस्क्यू के लिए बधाई दी है। वहीं उन्होंने कहा कि सीएम धामी सरकार आपदा की इस स्थिति में प्रभावितों के साथ खड़ी है, उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि पहली बार इतनी भीषण आपदा, इतनी भारी बारिश यहाँ पर हुई है और मैं सीतारंजन नानक मत्ता होते हुए यहाँ पर आया हूँ। आज हमारी जो राजस्थान की सबसे पहले लोगों की जान मान की रक्षा करना, पूरा प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ था। मैंने जब यहाँ के प्रभावित लोगों से बातचीत की तो प्रशासन की कार्रवाई से बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि साहब अगर ये नहीं होते तो शायद हमारी जान चली जाती। हालांकि 3 कैजुअल्टी यहां पर हुई हैं और चारगंज में 2 लोग लापता हैं और सरकार द्वारा जो हर संभव मदद है इन लोगों को की जा रही है। अभी मैंने जाजल से कह दिया कि जो त्वरित सहायता राशि है तुरंत इनको वितरित की जाएगी। उसके बाद इनके जो पशु हानि हुई है उसका मुआवजा इनको दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसकी चिंता करते हुए स्वयं यहां पर आ रहे हैं, अभी बैठक लेंगे और इस संकट की घड़ी में सरकार इनके साथ खड़ी है। देखिए आपदा को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपदा के बाद सरकार कितनी संवेदनशील है, सरकार कितनी जिम्मेदारी से काम कर रही है, उसका एक उदाहरण पेश हमारी धामी सरकार ने किया है। और मुझे लोगों ने बताया कि हमने 2 बजे फोन किया तो लोगों ने 2 बजे फोन उठाया, 4 बजे फोन किया 4 बजे फोन उठाया। सबसे बड़ी बात हमारे एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर कई लोग यहां अपने घटना बता रहे थे कि हम यहां तक पानी में थे, अगर ये नहीं होते तो शायद हम जीवित नहीं रहते। मैं अपने जिलाधिकारी को, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने पूरी। और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक की है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी निकल करके सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जो है भाषा संस्थान साधारण सभा और प्रबंधन कार्यकारिणी की यहां पर बैठक की है। मंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश इस दौरान दिए। साहित्यकारों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शुरू करने को कहा गया है। पर्यटन से जोड़कर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकारों के ग्रामों को साहित्य ग्राम के रूप में करें विकसित। साहित्य लेखन से जुड़े देशी विदेशी पर्यटकों को मिलेगा लाभ। आदर्श ग्रामों को स्थानीय स्तर पर गठित समिति के माध्यम से करें संचालित, तो उन्होंने कहा है। उत्तराखंड के स्थानीय भाषाओं में महाकाव्यात्मक लोक कथाओं का संकलन और शोध पर कार्य करने के लिए बनाए समिति। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के अंतर्गत बाल साहित्य को भी जोड़े। स्थानीय बोली भाषाओं में कहानी, लघु कथा और नाटक आदि को छोटे बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करने को कहा गया है। साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए धनराशि को 1 लाख से बढ़ा करके 1 लाख जो है 51,000 करने की बात कही गई है। वही विभाग की नियमावली और ढांचा शीघ्र तैयार करने को भी कहा गया है। उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ बुद्धिजीवियों, विद्वानों और साहित्यकारों की कर्मभूमि है। सुबोध उनियाल यानी कैबिनेट मंत्री का ये कहना है। राजभाषा के साथ ही स्थानीय बोली भाषाओं का भी प्रचार प्रसार करने के यहाँ पर सख्त निर्देश जो है कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल देते हुए नजर आए, क्योंकि उन्होंने बैठक आज की है। भाषा संस्थान साधारण सभा और प्रबंधन कार्यकारिणी की ये बैठक थी, जिसमें मंत्री ने जो है आवश्यक दिशा निर्देश जो है ये अन्य अधिकारियों को भी दिए हैं।
शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में देहरादून नगर निगम के अंतर्गत मॉनसून में ड्रेनेज को लेकर के नगर आयुक्त सहित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण कुछ क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति देखी गई, जिसका मुख्य कारण नालों की केयरिंग कैपेसिटी का कम होना रहा है। उक्त के संबंध में सिंचाई विभाग के साथ ही लगभग 34 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की गई, जिससे कि शहर में जलभराव की समस्या से निजात मिल सकेगा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि शहर में जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए 5 बड़े और 5 छोटे पंपों की व्यवस्था के साथ ही जो है 5 जेसीबी मशीनों को जो है प्रभावित क्षेत्रों में लगाया गया है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वर्षाकाल के दौरान किसी भी स्थिति में अपना जो है फोन ऑन रखें। मंत्री ने वर्षाकाल के दौरान जो है सर्पदंश की घटना होने पर कार्मिकों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी यहां पर जारी किए हैं और कहा है कि जिन नालों की सफाई का कार्य शेष रह गया है उन नालों की सफाई का कार्य आगामी 1 हफ्ते के भीतर पूर्ण कर लिया जाए। पिछली बार मेरे द्वारा तमाम नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों को हिदायत दी गई थी कि हम मानसून से पहले अपने अपने नाले नालियां साफ करें ताकि जब पानी बरसे तो पानी ओवरफ्लो होके बाहर ना आ सके। लेकिन इस बार पानी भी बहुत बरसा। कुछ क्षेत्रों की मुझे जानकारी है कि वहां पानी बहुत ज्यादा बाहर सड़कों पे बहा, जिसके कारण जनता को परेशानी हुई और जानकारी जिस प्रकार से मेरे द्वारा ली गई, अनेकों जगह पानी ज्यादा बरसा है। यदि मैं देहरादून की बात करूं, देहरादून में जैसा मेरे द्वारा अभी बैठक करके जानकारी ली गई, 37 बड़े नाले हैं पूरे नगर निगम क्षेत्र में, जहां साफ सफाई लगभग हर नाले में समय से कर दी गई उसको छोड़ के, और शेष हमारे जितने छोटी नालियां हैं ये लगभग पूरे नगर निगम की मैं बात करूं, जैसा मुझे उनके द्वारा बताया गया, हमारे अधिकारियों के द्वारा, एमएनए के द्वारा, कि हमारे पूरे 100 वार्डों में 536 छोटी बड़ी नालियां हैं जिनकी सफाई। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर कठुआ में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 वीर जवान शहीद हुए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कठुआ में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 वीर जवान शहीद हुए। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो है महेंद्र भट्ट, उन्होंने संवेदना व्यक्त की है इसको लेकर। पीड़ित परिजनों को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति दे ईश्वर, उन्होंने कहा है। घायल जवानों के लिए शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना उन्होंने की। वहीं शहीद जवानों ने मातृभूमि के लिए शहादत दी है, महेंद्र भट्ट का ये कहना है। कायराना हमले करने वाले आतंकियों को सुरक्षा बल उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। घटना में शामिल सभी आतंकवादियों और उनके मददगारों का मिट्टी से मिलना तय है, महेंद्र भट्ट ने ये कहा है। वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ हो रही है कठोर कार्रवाई, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने ये बात कही है, ये बड़ी बात कही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कायर आतंकवादियों द्वारा सेना के काफिले पर जो प्राणघातक हमला किया गया, उसमें देवभूमि उत्तराखंड के वीर नौजवान 5 सैनिकों के शहीद होने का दुखद समाचार है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। उत्तराखंड देवभूमि वीर भूमि के रूप में जानी जाती है। मुझे पूरा विश्वास है इस प्रकार के कायरतापूर्ण हमलों में की भर्त्सना पूरे देश में, पूरे जगत में होती है, और बहुत जल्दी ऐसे आतंकवादियों का समूल नष्ट होना बहुत आवश्यक है। हमें पूर्ण विश्वास है इस कायरतापूर्ण घटना का जवाब हमारे सैनिक यथासमय देंगे। मैं जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना।
स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2024 को लेकर के नगर पालिका सभागार में अधिशासी अधिकारी राजवीर चौहान के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लक्ष्य रखा गया कि साल 2024 में नगर पालिका परिषद मसूरी प्रदेश में अपना पहला स्थान बनाए, जिसको लेकर के आज सफाई निरीक्षकों के साथ ही सफाई अभियान में शामिल संस्थाओं के साथ जो है विचार विमर्श भी किया गया और शहर को स्वच्छ बनाने के लिए दिशा निर्देशित किया गया। पिछले साल नगर पालिका मसूरी स्वच्छता अभियान में प्रदेश में दूसरे स्थान पर रही थी, लेकिन इस बार जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में प्रथम स्थान पर रहने का लक्ष्य जो है रखा गया है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजवीर चौहान ने मामले में बताया कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए घर घर से कूड़ा एकत्रित किया जा रहा है, साथ ही नगर पालिका द्वारा संचालित जो है MRF सेंटर और बायोमेथेन प्लांट में शहर का कूड़ा निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहर के विभिन्न स्थानों के साथ ही माल रोड पर भी सफाई अभियान चलाया जाता है और आज भी सभी संस्थाओं और निरीक्षकों को शहर को स्वच्छ बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। चुका है इनके विभिन्न मानकों के अनुसार बिंदुओं पर हमारे द्वारा आज चर्चा की गई है, जिसमें कि हमारी डोर टू डोर कंपनी की MRF सेंटर नोवेस्ट और बायोमिथेन प्लांट वाले और सुपरवाइजर नगर पालिका के इंस्पेक्टर लोग सम्मिलित थे, साथ ही NGO हिलदारी संस्था हमारे साथ सम्मिलित थी। जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में कुछ ऐसे बिंदु है जिनमें पिछली बार हमारी रैंकिंग में हमें नंबर कम मिले हैं, उनमें किस प्रकार सुधार किया जा सकता है ताकि हम इस बार हम प्रदेश में अव्वल आएं, इस पर चर्चा की गई। और डोर टू डोर कंपनी को निर्देश दिए गए हैं कि वो डोर टू डोर कलेक्शन को 100% करें और सोर्स एग्रीगेशन को भी 100% करें, और MRF सेंटर को निर्देश दिए गए हैं कि जो डोर टू डोर कलेक्शन के बाद आने वाले कूड़े का निस्तारण समय पर और उसका पूरा निस्तारण कर बायोमिथेन प्लांट पर वेट वेस्ट भेजा जाए ताकि रैंकिंग में हमें काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त हो। साथ साथ NGO से हमने गुजारिश की है कि वो सहायता समूह के साथ ग्रुप बना के RR सेंटर और जो भी स्कूल कॉलेज होटल है इनके साथ मिलकर कोई कार्य योजना बनाए ताकि IC एक्टिविटी के माध्यम से लोगों को डोर टू डोर सेग्रीगेशन पे हम वो कर सकें, तैयार कर सकें। बल्कि माल रोड मसूरी का एक मुख्य मार्ग है जिसपे हमारे नगर पालिका द्वारा 20 कर्मचारी प्रातः और 10 कर्मचारी रात को लगाए गए हैं जो प्रतिदिन अपना कार्य। अर्जुन शासन द्वारा नगर पालिका अधिनियम में संशोधन कर भवन कर निर्धारित करने को लेकर के प्रदेश के 14 निकायों में ड्रोन सर्वे का कार्य किया जा रहा है, जिसमें पर्यटन नगरी मसूरी में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके बाद से घर घर जाकर के सर्वे का कार्य किया जाएगा, इससे नगर पालिका की आय में भी वृद्धि होगी और लगभग 20 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष कर के रूप में प्राप्त होंगे। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश निधानी ने बताया मामले में कि प्रशासन द्वारा नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के बाद से सर्किल रेट के अनुसार अधिकतम 1% टैक्स निर्धारण किया गया है। व्यावसायिक भवनों भूमि के टैक्स भी जो यहां पर निर्धारित किए गए हैं, संशोधन किया गया है और संशोधन के अनुसार ये है कि जो प्रॉपर्टी है उसकी सर्किल रेट पे जो वैल्यू है उसका मैक्सिमम 1% तक टैक्स निर्धारित किया जाना है। तो 1% मैक्सिमम है, नगर पालिका बोर्ड द्वारा इसको 0.1% ओपन लैंड का, 0.25% आवासीय का और 0.5% कमर्शियल का निर्धारित किया गया है। तो इसमें जो भी उस प्रॉपर्टी की सर्कुलेट के अनुसार वैल्यू होगी उसका इस रेशियो से टैक्स उस पर लगेगा। इसमें 14 निकायों में शासन द्वारा सर्वे कराया जा रहा है, इसमें ड्रोन सर्वे हमारा लगभग पूरा हो चुका है। ड्रोन सर्वे के बाद कंपनी घर घर जाके सर्वे करेगी और उसके बाद हमारे पास पूरे मसूरी का डेटा आ जाएगा, तब हम टैक्स करवाएंगे। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है हेमकुंड से, जहां पर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर के एक फर्जी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा बंद को लेकर के सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो वायरल हो रहा है। फर्जी वीडियो पर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने संज्ञान ले लिया है। निर्विघ्न रूप से चल रही गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा, नरेंद्रजीत बिंद्रा का ये कहना है, सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है फेक वीडियो, प्रभु के प्रति आस्था रखने वाले झूठी अफवाहों पर ध्यान ना दें, उन्होंने कहा है। वहीं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में देश विदेश से पहुंच रही है संगतें, यात्रा को लेकर के संगतों में उत्साह है, संगतें पवित्र सरोवर में डुबकी लगाकर प्राकृतिक सुंदरता को निहार रहे हैं।
वहीं जल्द ही हेमकुंड साहिब परिसर में खिलेंगे विभिन्न प्रकार के फूल, उनका ये कहना है, यानी नरेंद्र जीत बिंद्रा का। आपको बता दें कि इस फर्जी वीडियो के मामले में जो है गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो ये प्रसारित हो रही है फेक वीडियो की यात्रा बंद हो चुकी है, इस पर बिल्कुल भी इन अफवाहों पर ध्यान न दें, निर्विघ्न होकर के निर्बाध तरीके से जो यात्रा है वो फिलहाल चल रही है हेमकुंड साहिब की। पिरान कलियर में पीपल चौक और सोहलपुर रोड पर फैले अतिक्रमण के विरुद्ध नगर पंचायत ईओ ने जिन लोगों ने जो है सड़क के किनारे रेड़ी ठेली लगाकर के अतिक्रमण किया हुआ था उनको नगर पंचायत ईओ द्वारा अनाउंसमेंट के माध्यम से फैले अतिक्रमण को 2 घंटे में हटाने की चेतावनी दी गई थी। लेकिन आपको बता दें कि रेड़ी ठेला स्वामियों ने सड़क पर फैले अतिक्रमण को नहीं हटाया, जिसको लेकर के नगर पंचायत ईओ द्वारा 2 घंटे के बाद पीपल चौक और सोहलपुर रोड से अतिक्रमण को हटाया गया और साथ ही कुछ लोगों का सामना भी जो है सामान भी इसमें जब्त किया गया। कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों को खुद ही हटा लिया तो वहीं नगर पंचायत ईओ भगवत सिंह बिष्ट ने जो है इस पूरे मामले पर बताया कि आगे भी लोगों को चेतावनी दे दी गई है कि अगर किसी ने अतिक्रमण किया तो उसका सामान जब्त कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और वहीं टिहरी पुलिस ने चंबा लाइन में मासिक अपराध बैठक का आयोजन किया जिसमें एसएसपी नवनीत सिंह पहुंचे। उन्होंने बैठक में उत्कृष्ट ड्यूटी करने वाले 20 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को जो है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का प्रशस्ति पत्र दिया, नकद धनराशि देकर के उनका उत्साह वर्धन यहां पर किया। वहीं बैठक में एसएसपी ने सभी थाना चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया कि वो अपने अपने क्षेत्र में नाबालिगों के वाहन चलाने पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाए, इसके अलावा शराब और मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर भी पूर्ण रूप से रोक लगाने का काम करे। बरसात की वजह से क्षेत्र में जहां जहां रोड ब्लॉक होती है इसकी सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से फ्लैश करते रहे, रोड खुलने की जानकारी भी सार्वजनिक करें। वहीं एसएसपी नवनीत सिंह ने इस पूरे मामले पर बताया कि बैठक में पहुंचे सभी पुलिस अधिकारियों से क्राइम का फीडबैक भी लिया गया है, क्राइम को लेकर के जो कमियां देखने को मिली हैं उन्हें सुधारने के निर्देश दिए गए हैं, ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए भी यहां पर निर्देश दिए गए हैं। और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे हैं, तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जौलीग्रांट से, जहां पर मुख्यमंत्री ने कठुआ आतंकी हमले में शहीद वीर जवानों को पुष्प चक्र अर्पित कर यहां पर श्रद्धांजलि दी है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। इस दुखद घड़ी में सरकार परिजनों के साथ है, सीएम धामी का कहना है, राष्ट्र रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त अमर शहीदों को देशवासी जो है सदैव अपनी स्मृतियों में रखेंगे, जीवंत रखेंगे उनको अपनी स्मृतियों में, ये सीएम धामी का कहना है। शहीद जवान सैन्य भूमि उत्तराखंड के गौरव हैं, प्रदेशवासियों को आप पर गर्व है, सीएम धामी का ये कहना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जौलीग्रांट एयरपोर्ट से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे और वीर शहीद जवानों को यहां पर श्रद्धांजलि देते हुए पुष्प चक्र अर्पित करते हुए वो नजर आए। जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा, आतंकवाद का सफाया होगा, अलगाववाद का सफाया होगा, विघटनकारी शक्तियों को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। ऐसे समय में मैं जिन परिवारों ने अपने बेटों को अपने पारिवारिक जनों को खोया है, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को भगवान इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे, उनको साहस प्रदान करे। हम सब पूरा उत्तराखंड पूरा देश उन वीर जवान शहीद परिवारों के साथ है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, ये तस्वीरें हम जो देख रहे हैं ये आंखों में नमी भी ला रही है और दूसरी तरफ हमको गर्व का भी अनुभव कराती है कि कैसे हमारे सैनिक जो है हमारी रक्षा के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आंखें नम हो रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हैं और कौन कौन लोग पहुंचे हैं? आज जो भी कहें तो अभी यहाँ पर उन्होंने नम आंखों से यहाँ पर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दी है और साथ ही भावुक होते हुए जो उनके बलिदान को करते हुए बड़े भावुक हुए मुख्यमंत्री। और आज तक जो है जो वहाँ की स्थिति जो देखते हर आदमी के जो चेहरा देख रहे थे कि और हर आंखों में कुछ ऐसा लोगों के दिखाई दे रहा था जिसका कोई हिसाब नहीं। क्या कह सकते हैं जो शहीद हुए हैं आज, कहते हैं ना उत्तराखंड के लिए आज का बड़ा दुखद दिन रहा जब यहाँ पर 5 शहीद यहाँ पर पहुंचे। और कहें तो टिहरी गढ़वाल पौड़ी रुद्रप्रयाग, कहें तो टिहरी पौड़ी रुद्रप्रयाग के ये हमारे शहीद जवान थे यहाँ पर, जिनका आदर्श नेगी, आनंद सिंह, कोमल सिंह, अनुज नेगल, विनोद सिंह, ये 500 शहीद के जब यहाँ पर तो पहुंचे यहाँ पर तो एक ऐसा उस टाइम माहौल गमगीन हो गया था जिसको देखने लायक था। यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी उपस्थित थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो सांसद है वो उपस्थित थे, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सैनिक कल्याण मंत्री वो थे और भी कैबिनेट मंत्री उपस्थित थे, कहीं यहाँ पर अधिकारी थे जिन्होंने नम आंखों से आज इन शहीदों को अपना श्रद्धांजलि अर्पित की है। कमल जी, हम देख सकते हैं तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही हैं और आप भी बता रहे हैं तमाम सारी अपडेट, लेकिन यहाँ पर एक बात जानने वाली और भी हो जाती है, हम जब सलाम करते हैं इन वीर जवानों को, यहाँ पर सलाम उन लोगों को भी करना चाहिए जो इनके परिवार वाले होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हृदय लेकर के ये इन्हें बॉर्डर पर भेजते हैं और उनका भी उतना ही योगदान होता है देश सेवा में, हम कहना चाहेंगे जितना कि इन वीर जवानों का, इन शहीद जवानों का होता है। बिल्कुल सही बात है, जिनके घर का जब चिराग कहीं ना कहीं, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल 20 से लगभग 24-25 वर्ष के ये आयु के यहाँ पर ये सही जवान थे और जिनके घर का जब चिराग बुझता है तो उस घर वालों पे क्या बीती है ये कहना बड़ा मुश्किल है। और भाई भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान इन सबको शक्ति दे और जो लोग हम सो रहे होते हैं और ये हमारी रक्षा कर रहे होते हैं तो मतलब एक कितना बड़ा बलिदान ये देश के लिए और हम लोगों पे दे रहे हैं ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कहा जाता है कि अब इनको हो गया, इनको इनके परिवार को नौकरी मिल गई, वो मिल गई, लेकिन जिससे घर का कोई आदमी जाता है, कोई चिराग बुझता है, वो करना किसी भी, चाहे हम कितना उनको पैसा दे दें या कई भी व्यवस्थाएं दे दें, पर वो चीज भरनी बहुत मुश्किल होती है। किसी कहते जब किसी घर का चिराग जाता है तो क्या स्थिति होती है, वो कई सालों तक तो भूल ही नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात है हम देखते हैं कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ एक वीरों की धरती है कि जब भी कहीं ऐसी प्रकार की होती है तो यहाँ के जवान पूरी अपनी प्राणों का न्यौछावर करके इस भारत की देश की रक्षा करते हैं जो एक बुलाई नहीं जा सकती। और इसीलिए इस उत्तराखंड को देव भूमि के साथ देव वीरों की भूमि भी कहा जाता है। वही हम देख रहे हैं कि इस बार जो कल घटना हुई है उसमें 5 जवान जो थे, 5 के 5 नौजवान हमारे उत्तराखंड के थे और यही टिहरी रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिले के रहने वाले थे। जब कहता हूँ जब इनके यहाँ पर आए तो देखने लायक वहाँ का जो हिसाब था कि लोगों की आंखें ऐसे हो रही थी कि भावुक हो चुके थे सभी लोग। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात तो यह है कमल जी कि इन जवानों ने जो अपनी शहीदी दी है, यानी जो शहीद हुए हैं ये मुकाबला करते हुए शहीद हुए हैं, बिल्कुल भी झुकने का नाम नहीं लिया, जो ये भी बताता है कि कितने बड़े वीर ये थे और इन्हें हमेशा जीवंत रखा जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप, खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय श्री गुरु रामराय यूनिवर्सिटी।